तो गाइस एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा, एक हाथ से पराठा तोड़ा और पराठे के साथ मैंने सालन खाया। अभी सुबह के 4:15 बज रहेंगे, समझ लो सुबह लगी गई है। तो मैं अपने लिए शेरी लेकर आ चुका हूँ क्योंकि आज आखिरी रोज़ आएगा, आज की शेरी आप लोगों के साथ करते हैं। तो गाइस शेरी में है पालक गोश्त का सालन और पराठा। सालन खाने के बाद सबसे पहला काम करना होता है पानी पीना होता है। पानी पिया, पानी पीने के बाद मैंने चाय पी। तो गाइस शेरी का टाइम ख़त्म हो चुका है और हॉर्न भी बज चुका है, अजान होने वाली है। एक देखो अजान हो रही है गाइस। अभी सुबह के 6 बज रहे होंगे और मैं फजर की नमाज़ पढ़कर आ चुका हूँ। आज आखिरी दिन है रमज़ान का, यानी आज आखिरी रोज़ा है और आज जुम्मा भी है और कल ईद आएगी। तो फिर बहुत सारी तैयारियाँ करनी है मेरे को। मैं अपने कज़न के लिए गिफ्ट ले आया हूँ, ये कल कल व्लॉग में आपने देखा होगा। आज घर के लिए कप लाना है और भी बहुत सारे काम करने हैं। 5 hours later. तो गाइस आज जुम्मे का दिन है, मैं 1:15 बजे उठ चुका हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, 15 मिनट से पहले मेरे को नहा के मस्जिद पहुँचना है, तो फिर मैं जल्दी से नहाने चले जाता हूँ। तो गाइस मैं घर से निकल गया हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए और अभी ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट रह गए होंगे अजान होने में। तो मेरे को अजान से पहले मेरी कोशिश यही है कि पहुँचना है। अभी 12:56 हो रहे और वैसे ही आज आखिरी जुम्मा आएगा आज विदा का, तो वैसे तो बहुत रश होएगा, तो मेरे को जल्द से जल्द पहुँचना है। 2 hours later. गाइस मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़कर आ चुका हूँ। नमाज़ के बाद मेरे को ये कागज़ दिया, इसके अंदर नमाज़ के बाद की दुआएं लिखी हुई, जो हमें 5 टाइम नमाज़ के बाद ये दुआएं पढ़नी है। कि ये मेरे को कागज़ दिया जाएगा, आज आखिरी जुम्मा था, आज अलविदा का जुम्मा था, तो नमाज़ को मैंने पढ़ दी है। बाकी आज चांद रात भी है और भी बहुत सारे काम करना है। कल इंशाल्लाह ईद आएगी, कल मेरी ईद का पहला व्लॉग आएगा। तो जुम्मे का दिन समझ लो आधा तो निकल गया, आधा बचा है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह। तो गाइस मैं अपने लिए कप लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में व्लॉग के बताया था कि मैं अपने घर के लिए कप लेकर आऊँगा, मैं अपने घर के लिए कप लेकर आ गया। और मैं शूर इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मैं असर की नमाज़ के बाद सीधा मैं चले गया था कप लेने के लिए, और मस्जिद में मोबाइल तो मैं लेकर जाता नहीं हूँ, इसी की वजह से तो मैंने व्लॉग को शूर नहीं किया कप लेते हुए। तो मैं आप लोगों को कप दिखा देता हूँ। तो गाइस एक कप आप देख सकते हैं, ब्राउन कलर के कप हैंगे और थोड़ा बहुत क्रीम कलर भी आ रहा है। तो ये वाले कप लेकर आया हूँ मैं, ये तकरीबन मेरे को 6 कप पड़े 250 रुपये के। तो गाइस मैं अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अपने दोस्त शाहरुख को इत्तेकाफ़ से जो बैठा हुआ उसको लेकर आ रहे हैं मगरिब की नमाज़ के बाद। तो इंतज़ार कर रहे हैं, दोस्त शाहरुख को लेकर आ चुका हूँ इत्तेकाफ़ से। शाहरुख आपने 10 दिन कैसे गुजारे? यार बहुत अच्छे गुजारे, तो मुँह से बोलो जोर से बोलो। इबादत करने में बहुत मज़ा आता है यार, और आप लोग भी इबादत करा करो, बहुत मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया। अच्छा तो कल ईद मनाओगे तुम इंशाल्लाह मुसलमानों के साथ? तो ईद ही दोगे मेरे को? मैंने पूरे रोज़े रखे तो मैंने भी तो रखे, फिर मेरे को कौन देगा? दे देगा कोई ना कोई, दे ही देगा। चलो ठीक है, सही है। अल्लाह और कैसे गुजारे दिन, कैसे गुजारे? बहुत अच्छे गुजारे दिन, तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हाँ और कुछ कहना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? यही कैसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर। नहीं नहीं वो तो आप रमज़ान के बारे में क्या कहना चाहिए? रमज़ान के बारे में तो यार अभी शैतान भूल गया, 24 का नसीब, 24 से अल्लाह का नसीब, वो अभी शैतान भूल गया, लोग शैतान को मनाएंगे। तो गाइस शाहरुख को घर पे छोड़ने के बाद मैं अपने घर पे आ जाता हूँ और मेरे को लग रही थी बहुत तेज़ धूप दोपहर, तो रात सॉरी दोपहर का बजट रात के खाने में है चने की दाल के साथ कीमा, कीमे के साथ पराठे और पराठे के साथ है रोटी। तो गाइस एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा और एक हाथ से खाना खाया। खाना खाने के बाद सबसे मेन काम करना होता है पानी पीना, तो मैंने पानी पिया। अभी रात हो रही है और कुछ ही घंटे रह चुके ईद की नमाज़ में, तो मेरे को घर में बहुत काम है। अभी पूरा घर फैला हुआ आएगा और मेरे को सारे काम निपटाने आएंगे। उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ने, यानी फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर तैयार होना है, फिर तैयार होने के बाद फिर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आना है। तो फिर मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। मानता हूँ व्लॉग बहुत छोटा बना है, पर मैं क्या बता सकता हूँ, पूरा दिन मसरूफ़ था, अभी रात में भी मसरूफ़ हूँ, तो अभी भी बहुत सारे काम करने। तो फिर इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह कल के।